वेलकम क्लास सिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का दूसरा लेसन, भोजन के अवयव। प्रत्येक प्राणी को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही हमारे शरीर की दैनिक कार्य भी चलते हैं और शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं भी निरंतर भोजन के कारण ही संपन्न हो पाती हैं, क्योंकि भोजन से ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा के द्वारा सारे कार्य संपन्न होते हैं। आज हम इस लेसन में इसके बारे में पढ़ेंगे कि भोजन के कौन कौन से अवयव है और हमें कैसा भोजन करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी के लिए भोजन का बहुत महत्व है, क्योंकि भोजन के ऊपर ही हमारा पूरा शरीर निर्भर करता है और भोजन के द्वारा हमारी भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर की जो जरूरत है, जो हमको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो चाहिए, क्या वास्तव में वो मिल रही है, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को एक संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हर चीज उचित मात्रा में हो, विटामिन उचित मात्रा में उपस्थित हो। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता कुछ कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक हैं? मनुष्य आयु कितनी है, मनुष्य का लिंग कैसा है, मनुष्य का व्यवसाय कैसा है और उसके विकास की अवस्था क्या है। मनुष्य की आयु, छोटा बच्चा, जवान व्यक्ति जो है वो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, उसके अलावा जो बुजुर्ग है वो उस हिसाब से कम। तो इस हिसाब से आयु पर निर्भर करता है कि आपको कितना भोजन चाहिए और कैसा भोजन चाहिए। आप जो है अगर मेल है कि मेल है, नर है या मादा है, इस पर भी निर्भर करता है। नर का आवश्यकता भोजन की ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फीमेल मादा। व्यवसाय, करता है, मांसपेशियों को शक्ति बनाए रखता है,
कंपेरिजन टू छोटे बच्चों को जिनकी ग्रोथ होनी है। करेंगे।